नमस्कार मित्रों, मैं हूं रवि चपटे और आज हम देखेंगे वचन में एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। वचन किसे कहते हैं? शब्दों के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का लड़के, पुस्तक पुस्तके। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से हमें एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है और बहुवचन से हमें एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। अब हम एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम देखेंगे। पहला नियम है अकारांत पुल्लिंग शब्द। एक वचन और बहुवचन में एक समान रहते हैं। यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, उसमें एक वचन और बहुवचन दिए गए हैं। पहला उदाहरण देखिए, किसान किसान, पेड़ पेड़, हिरन हिरन, फूल फूल, मित्र मित्र। एक वचन से बहुवचन बनाने का दूसरा नियम देखिए, आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत का आ स्वर ए में बदल जाता है। जैसे लड़का लड़के, तारा तारे, कपड़ा कपड़े, जूता जूते, कोआ कोए। अगला नियम देखिए, इकारांत इकारांत, उकारांत और उकारांत पुल्लिंग शब्द एक वचन और बहुवचन में एक से रहते हैं। जैसे कवि कवि, मोती मोती, गुरु गुरु, डाकू डाकू, आदमी आदमी। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत का अस्वर ए में बदल जाता है। जैसे पुस्तक पुस्तके, रात राते, आंख आंखे, बहन बहने, सड़क सड़के। अगला नियम देखिए, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उनके अंत में ए जोड़ा जाता है। जैसे कविता कविताएं, कथा कथाएं, भुजा भुजाएं, कामना कामनाएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या आता है उनका बहुवचन या इस शब्द का या करने से बनता है। जैसे बिंदिया बिंदिया, चूहिया चूहिया, चिड़िया चिड़िया, गुड़िया गुड़िया, बुढ़िया बुढ़िया। बहुवचन करते समय यहाँ पर या पर चंद्र बिंदु दिया गया है। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उनके अंत में या जोड़ा जाता है। जैसे नीति नीतिया, गति गतिया, जाति जातिया, मूर्ति मूर्तिया, पंक्ति पंक्तिया। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंतिम ई स्वर आता है। यह ई स्वर ह्रस्व ई में बदल जाता है और फिर उनमें या जोड़ा जाता है। जैसे नदी नदिया,
टोपी टोपिया, तितली तितलिया, बेटी बेटिया, लड़की लड़किया। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय उनके अंत में ए जोड़ दिया जाता है, जैसे वस्तु वस्तुए, ऋतु ऋतुए, धातु धातुए। अगला नियम देखिए, उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम उ को ह्रस्व उ कर उनमें ए जोड़ने से उनका बहुवचन बनता है, जैसे वधु वधुए, बहु बहुए, जु जुए। कुछ पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय दल रुंद वर्ग जन लोग गण आदि शब्दों को जोड़ा जाता है, जैसे सेना सेना दल, अध्यापक अध्यापक रुंद, मित्र मित्र वर्ग, श्रोता श्रोता जन, साधु साधु लोग, दर्शक दर्शक गण। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में एक समान होते हैं, जैसे राजा राजा, बाजार बाजार, फल फल, पानी पानी, क्षमा क्षमा। इस वीडियो में हमने एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम देखे हैं। धन्यवाद।